रोड्स आप देखें कितने जबरदस्त हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानल्लज़ी सख़र लना हज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला आज का दिन खैर खैरियत से गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे, और मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था, और जैसे कि लग भी रहा है मौसम के मुनासिबत से, तो मैंने कहा चलो यार आज एक वीडियो बना ही लेते हैं काफ़ी अरसे के बाद। अच्छा जी, आज का जो सफ़र है वो हमारा लाहौर टू लाहौर ही है, बट इट्स अप्रॉक्सीमेट 45 to 50 किलोमीटर्स। हम जाएँगे जी लेक सिटी, आज आपको लेक सिटी भी दिखाएँगे खूबसूरत, लाहौर में बड़ी अच्छी बनाई हुई है। थोड़ा सा लाहौर से हटके है ये, बट काफ़ी खूबसूरत बनाई है। एक्चुअली मैंने टर्न ही गलत ले लिया ना, टर्न पीछे से लेना था। आपसे बातें करते करते मैं आगे आ गया, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट होते हैं, स्ट्रेट नहीं जाते हैं। रास्ते में से अदनान को पिक करना है और फिर हम जाएंगे जी लेक सिटी। फुली लश ग्रीन है, देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन है। हम ऑलमोस्ट आप कह लें समर ख़त्म हो रहा है और विंटर स्टार्ट है, तो अभी इसी तरह का मौसम रहेगा कुछ अर्सा अच्छा अच्छा सा। और यहाँ पे मुझे लगता है अभी बारिश हो के हटी है, क्योंकि पीछे तो सारा रोड वगैरह वो बिल्कुल ड्राई थे। शेरपा ब्रिज के पास हैं हम, और ये बिल्कुल शेरपा ब्रिज स्टार्ट हो ही गया। आप ग्रीनरी चेक करें यार, थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है और उसके बाद आप ग्रीनरी चेक करें ज़रा, कितनी खूबसूरत लग रही है। वाओ, इधर अभी बारिश हो गई हटी है, क्योंकि रोड जो है ना वो फुली वेट है। अच्छा, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बन रही है ना, तो समझ भी नहीं आ रहा कि बोलना किसे क्या है, वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं। अगर आप मेरे शीशे में से जो साइड व्यू मिरर है उसमें से देख रहे हो पीछे बैक साइड पे, तो कितना लश व्यू आ रहा है। शायद मेरा कैमरा दिखा रहा हो, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। के घर पहुंचे हैं, बस अभी वहाँ पे रुक के ना साइड पे, तो फिर अदनान को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, उसका वेट करते हैं। देखें अभी यहाँ पे भी कितनी बारिश हुई भी है, पीछे बिल्कुल पता ही नहीं था कि बारिश हुई भी है कि नहीं, और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है। चलो जी, हम कॉल कर लेते हैं अदनान को।
फिर देखते हैं। अब आ गए, ये सामने जा रहे हैं, ये उसे पता लगा ना कि कैमरा ऑन किया और साथ ही वो निकल गया आगे। ये हैं जनाब अदनान साहब। थोड़ा सा थ्रॉटल दिया बाइक को तो दान भाई कह रहे हैं कि पता है आपके पास हैवी बाइक है। अदनान भाई पूछ रहे हैं साथ आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कैमरे की तरफ इशारा किया कि हाँ जी। यार आज आप ग्रीनरी चेक कर रहे इधर, लश ग्रीन है, मेरी तो आंखों को इतनी फैसिनेट कर रही है ना ये चीज़ कि मैं आपको बता नहीं सकता। चेक करें यार ज़रा, और मुझे नहीं पता यहाँ से कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बट सीरियसली ऑन द वेरी सीरियस नोट बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये अक्सर थोड़ी सी बारिश हो जाए ना और उसके बाद ये मौसम इस तरह का होता है, इन ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, और लाहौर में भी ख़ास तौर पे कैंट के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी है, तो उस वजह से। अभी मैंने वाइज़र भी खोला हुआ था, मुझे आइडिया नहीं है कि आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, बट मुझे उम्मीद है कि अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पहाड़ों में जब बारिश के बाद वो ग्रीन ग्रीन पहाड़ होते होंगे तो वो कितने ज़बरदस्त होते होंगे, अगर इन सिटी ये हालात हैं तो वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होंगे जी। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये बंदा 125 सीसी के ऊपर जचता है। बस अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने के। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसको शौकत खानम वाला रोड भी बोलते हैं, इसी रोड के ऊपर शौकत खानम हॉस्पिटल भी है, द ग्रेट इमरान खान का। अभी आपको यूसीबी भी दिखाते हैं यहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। जी जनाब ये है शौकत खानम ब्रिज, जब ये ब्रिज नहीं था ना यहाँ पे तो यहाँ पे भी बहुत रश हुआ करता था। और ये है जो शौकत खानम हॉस्पिटल मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, ये सारा शौकत खानम है, और ये मेरे राइट साइड पे है जी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी, ये आप देख सक रहे होंगे। और ये है अदनान भाई, अब मुझे कह रहे थे
मुझे फ़ोन आया हुआ था, आपने बाइक नहीं रोकी मेरे लिए। बहुत छाए हैं कैमरे से, देखे कैसे कैसे फेस बना बना के ये निकल रहे हैं आगे। ये देख लो मुझे कह रहे हैं कि तू आगे चला जा। मेरा बस नहीं चल रहा, आपको अपनी आंखों से दिखाऊं, यकीन माने इतनी प्यारी लश ग्रीन, उफ बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत। जैसे वो एक तरह से बाहर से नहीं आ जाती, सेम उसी तरह से। ये भाईजान चेक करें जरा, गाड़ी के अंदर ही फोन पे लगे हैं। अदनान भाई फुल गुस्से में मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। मुझे पहले पूछते हैं फोन पे लगे वो किसी के साथ, मैंने कहा भाई मैंने किसके साथ फ़ोन पे लगना है, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ले जनाब फ्यूल खत्म हो गया बाइक में हम फ्यूल डलवाते हैं यहाँ से। कार्ड चल रहा है ना 1000 रुपये का। जी इसका बिल मुझे दे दीजिएगा। ₹336 लीटर, 3 लीटर से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा डला फ्यूल। क्रॉस विंड है आज मेरी तरफ, तो हो सकता है आपको शोर मिलने को सुनने को मिल रहा हो। देखा यही नुकसान होता बड़ा टाइम बाद ब्लॉग बनाने का, कि आपको लफ्ज़ों की नहीं समझ लग रही होती कि आपने बोलना क्या है। खैर यहाँ पे ना आगे एक घर आएगा वो आपको दिखाता हूँ। फिर साहब हैं वो बना रहे हैं, वो सेम लाइक आप उसको कह लें कि एक ड्रावना सा घर है बड़ा, लेकिन खैर उस बंदे ने बड़े पैसे लगाए होंगे। ये सामने ये घर आ रहा है ये वाला, कि आप दूर से ही देखे जैसे हॉन्टेड हाउस नहीं होता, हॉन्टेड बोलते हैं हॉन्टेड। जैसे सिंधबाद टाइप घर होते हैं ना वो वैसे बनाया हुआ इन्होंने। फिर चेक करें जरा यहाँ से ही देखें, ये
पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं है ये देखें ज़रा, ये इसका गेट भी वैसे ही है जैसे वो किला टाइप होता है कोई। ये देखें पीछे भी तीन तीन चार चार गेट हैं। बस थीम है लोगों की, बस बना रहे हैं। बस जनाब हम लेक सिटी में एंटर होने वाले हैं, फिर आपको लेक सिटी की भी खूबसूरती दिखाते हैं थोड़ी सी। बड़ी प्यारी सोसाइटी है। ये जनाब हम लेक सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये इसकी एंट्रेंस हुई। ये जी सिक्योरिटी चेक पोस्ट है इनका छोटा सा। ये जनाब सोसाइटी के अंदर के मनाजिर चेक करें। ये छोटा सा राउंड अबाउट है। सारी अंदर सोसाइटी और अंदर बड़े प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जो पूरे लेक सिटी से नज़र आती है। आप लेक सिटी में कहीं पर भी खड़े हो जाएं आपको मस्जिद नज़र आएगी दूर से, बल्कि ये आ ही गई है। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये लेक सिटी की। आपको हर तरफ से लेक सिटी में भी जहाँ कहीं भी आप खड़े होंगे ना, वहाँ से आपको ये मस्जिद नज़र आएगी। ये हार्डीज भी है इवन। वाओ हार्डीज भी आ गया है यहाँ पे, वेरी नाइस। पर हम हार्डीज ही आए हैं, आपस की बात है वैसे।